Question number 6, question statement reads, a body of mass m is moved slowly from the earth's surface to a height equal to the radius of earth. The change in potential energy of the body will be. So here the height is very large, it is the radius of earth. In case of small height, the gain of potential energy you generally use is mgh. But here the height is very large, so gain of potential energy can be obtained by the general formula delta u is equal to mgrh upon r plus h. If h is the height through which body is raised from the surface of earth, earth ke surface se agar h height tak body jata hai, to usko gain of potential energy kitna milta hai? Ye agar earth hai aur ye radius earth ka aur body earth ke surface se yahan se earth ka mass m, ye radius r hi as per the question, aur ye body agar h height jata hai surface se from the surface, तो आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर एच बाय आर प्लस एच एंड आर इज इक्वल टू आर ई. अगेन हाउ दिस इक्वेशन कम, इसको सॉल्व भी करा जा सकता है बट आपको टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ये आया एक्चुअली यहां से, डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. एंड व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? हियर इज द फाइनल पोजिशन, सो दैट इज माइनस ऑफ GMM by RE plus H, ये height है उसका, RE plus height, minus of initial, initial surface पे था, minus of GMM upon RE. और यहाँ पे आप लोग GM के जगह GR square substitute करोगे and rearrange करोगे तो ये equation पे पहुंच जाओगे. इसे rearrange करके भी यहाँ पे पहुंच सकते हो, directly इसको भी use कर सकते हो. If a body is raised to a height equal to H from the surface of earth, gain of potential energy mg reh by re plus h to save time. So that is equal to, if I substitute mg re and height is also re divided by 2 re, so this is calculated to be delta u is equal to mg re upon 2. So correct option is option number 2. Question statement reads, a satellite is revolving in a circular orbit near the earth surface. If satellite has been given a velocity greater than escape velocity from the earth, then trajectory of the satellite is. तो आपका different speed के लिए different earth satellites का trajectories के बारे में आपको clear idea है. अगर idea नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप लोगों को ये easy हो जाए. अगर ये earth है और आपको एक satellite को launch करना है, तो ये एक हाइट तक उसे असेंड किया जाता है और वहां से उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्ट करी जाती है. ये हाइट बहुत ही कम होता है, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस. इफ हाइट इज वेरी लेस, इफ हाइट इज वेरी लेस देन अर्थ, जैसे तुम छत के ऊपर से बॉल को थ्रो करते हो या पेड़ के ऊपर से या खुद ही ऐसे खड़े खड़े फेंकते हो, तो अगर एच बहुत छोटा होता है उसी केस में एंड स्पीड भी बहुत ही कम होता है, वेरी मच लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड, वो छोटा सा स्पीड देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये केस में यू नो इट वेल, फ्रॉम स्मॉल हाइट एंड स्मॉल स्पीड दीज आर योर जनरल प्रोजेक्टाइल्स. ये आपका प्रोजेक्टाइल्स होते हैं और इन केस में इनका तुम्हारा पाथ होता है पैराबोला. याद है, देयर पाथ इज पैराबोला. हाइट बहुत कम और स्पीड बहुत ही कम, तो ये पाथ पैराबोला की होती है. हाँ, लेकिन ये वाली केस में अगर हाइट बहुत ही ज्यादा हुआ, मतलब हाइट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ये वाली स्पीड के लिए, गॉट इट, तो ये जो पाथ होती है इलिप्टिकल पाथ होता है, बट स्पीड बहुत ही कम है इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, वो फाइनली अर्थ के सरफेस में आके गिर जाता है, वो इलिप्टिकल हो जाता है एंड स्ट्राइक्स टू द अर्थ सरफेस. अगर ये स्पीड लेस देन ऑर्बिटल स्पीड है एंड हाइट कंपैरेटिवली लार्जर है, तो ये बॉडी को जो वेलोसिटी देते हो, इस वेलोसिटी से ये एक यहाँ पे इलिप्स बना सकता है, इट विल बी एन इलिप्स. वेरी मच लेस और लेस में डिफरेंस समझते हो आप लोग, ये बहुत ही कम स्पीड है और ये कंपैरेबल है, तो ये वाली केस पे आपका इलिप्स होगा. एंड देन अगर वी इक्वल टू वी ऑर्बिटल दे देते हो आप, वी इक्वल टू वी ऑर्बिटल के, तो आप वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाता है, और भी इक्वल टू भी ऑर्बिटल होता है.
अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा देते हो, वी ग्रेटर देन वी नॉट, थोड़ा ज्यादा देते हो, तो भी अगेन एक इलिप्स होगा, और जो इलिप्स आपका ये इसको ओवरशूट करके ऐसे जाएगा और ऐसे फिर वापस यहाँ पे आएगा, तो उसका मेजर एक्सिस का मैक्सिमम पोर्शन इधर को रहेगा, ये इधर कम रहेगा, क्लियर। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, बैठ के डायग्राम नहीं बनाना है वहां पे, ठीक है? आपको ये कंडीशन से याद रखोगे कि कौन सा पाथ कैसा होता है। देन अगर v इक्वल v एस्केप हो जाता है तो बॉडी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वापस नहीं आएगा, तो ये ओपन ऑर्बिट हो जाता है, और ये ओपन ऑर्बिट हो जाता है एक पैराबोला। एंड v ग्रेटर देन v एस्केप, जब एस्केप स्पीड से ज्यादा होता है, तो ये पाथ इट बिकम्स ए हाइपरबोला एंड अगेन इट इज ओपन ऑर्बिट। दीज आर द डिफरेंट पाथ ऑफ द सैटेलाइट्स और ट्रैजेक्टोरीज वी एट डिफरेंट वेलोसिटीज, एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होती हैं, इनमें आप लोगों को वहां पे कुछ सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेट रिमेंबर द पाथ, व्हाट टाइप ऑफ पाथ फॉर व्हाट वेलोसिटी, देन गो टू टिक द करेक्ट आंसर। सो हियर इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, सपोज मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 100 टाइम्स, नाउ रेडियस ऑफ अर्थ फॉर व्हिच द अर्थ बिहेव्स लाइक ए ब्लैक होल इज ऑर्डर ऑफ। सो व्हाट इज अ ब्लैक होल? इट इज ए सुपर डेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। सो द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ब्लैक होल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट भी उससे एस्केप नहीं हो सकता। सो हियर एस्केप स्पीड का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, 2gm अपॉन r का रूट ओवर, एंड इट इज अगेन आस्किंग द क्रिटिकल केस। तो हमेशा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू c है तो क्रिटिकल केस क्या होगा? क्रिटिकल केस इज v इक्वल टू c, सो अंडर रूट 2gm बाय r इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्क्वायर रूट को हटाओ तो 2gm अपन आर इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इट इज रिक्वायर्ड। ये पूछा गया आपको, व्हाट इज द रेडियस सच दैट इट विल बिहेव लाइक ए ब्लैक होल, आर एंड एम, मास इज नाउ 100 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई द ओरिजिनल मास इज गिवेन 6 इंटू 10^24 इक्वल टू 3 इंटू 10^8 होल स्क्वायर। सो इफ यू रीअरेंज एंड कैलकुलेट, आर इज कमिंग आउट टू बी 0.89 मीटर, एंड 0.89 मीटर मीन्स रफली इट इज 1 मीटर, एंड 1 मीटर का ऑर्डर जब लिखते हो 10^0 मीटर लिखते हो, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन बाय v इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड, वायर v इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर केजी एंड एक्स वाई जेड आर इन मीटर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन न्यूटन पर केजी एट पोजिशन 111 इज, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड यू नो इट वेल, इन स्केलर फॉर्म वी से gravitational field is the negative of gravitational potential gradient, E equal to minus del V upon del R. So when you go for the vector form Ex, we go for first x component, that is minus del V upon del X. So if you differentiate this potential with respect to x, partial differentiation ka meaning aap jante ho. So partial differentiation ki baat hoti hai x ke respect se, sirf x variable hota hai, baki y z dono constant hota hai. To yahan pe minus x square y ka pehla differentiation aayega, सो दैट इज माइनस ऑफ डेल वी अपन डेल एक्स, तो एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे, दैट इज 2x इंटू वाई, वाई इज ए कॉन्स्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, y एंड z आर कॉन्स्टेंट्स नाउ, सो दैट इज 0, एंड एक्स वाई जेड इज कॉन्स्टेंट, x इज वेरिएबल, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो बचा सिंपली कौन, माइनस वाई जेड। सो इसको अरेंज करो, वैल्यू डालो, x इज 1, y इज 1 एंड z इज 1, पुट करोगे तो ये आ गया आपका, दिस इज माइनस 3 एंड दिस इज माइनस साइन, सो इट इज प्लस 3। सिमिलरली ई वाई, इफ यू गो फॉर द वाई कॉम्पोनेंट, माइनस डेल वी अपन डेल वाई, नाउ आपका वाई इज द वेरिएबल एंड एक्स एंड जेड आर कॉन्स्टेंट, तो अभी एक्स कॉन्स्टेंट होगा पहला टर्म में, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो बचेगा खाली माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई जेड, योर जेड इज कॉन्स्टेंट, वाई इज वेरिएबल, तो बचेगा सिर्फ जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड,
एक्स जेड कॉन्स्टेंट वाई वेरिएबल, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो गया तो बचेगा एक्स जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू डालो, 1 1 1 -3 ए माइनस, तो दैट इज अगेन +3। देन कंपोनेंट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस माइनस डेल वी वाई डेल जेड, अभी जेड के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन, सो एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट, तो पहले टर्म देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। सेकेंड टर्म वाई जेड, जेड इज द वेरिएबल, वाई इज द कॉन्स्टेंट, तो बचेगा वाई खाली। थर्ड टर्म देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, जेड इज वेरिएबल, जेड का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो बचेगा खाली एक्स वाई। एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू डालो 1 1 1, सो जैसे डालोगे ये आ गया देखो +2। सो फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, पुट द वैल्यूज, सो दैट इज 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, इफ h1 h2 आर द हाइट्स एट व्हिच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/9 एंड 1/16 ऑफ द वेट एट द सरफेस, देन h1 अपॉन h2 इज, तो हाइट दोनों का रेशियो क्या होगा, तो वेरिएशन ऑफ वेट विथ हाइट, सो यू नो इट वेल, वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, CMM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, वेर H इज द हाइट। हियर इन योर क्वेश्चन फर्स्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट H1 इट इज 1/9, सो आई राइट W1, दैट इज 1/9 ऑफ द वेट, मीन्स W/9 आई हैव टू राइट, इक्वल टू GMM अपॉन R प्लस H1 होल स्क्वायर। And similarly at the other height H2, that is W2, that is weight upon 16 and that is equal to GMM upon R plus H2 whole square. If I divide these two equations, then 16 upon 9 is equal to R plus H2 upon R plus H1 whole square. Take the square root of both sides, so this will become 4/3 is equal to R plus H2 upon R plus H1. That gives you 4/3 equal to 1 plus H2 upon R divided by 1 plus H1 upon R. I divided both numerator and denominator by R. Take the numerator as 4. So 1 upon H2 by R is equal to 4. And 1 upon H1 by R, the denominator is equal to 3. That implies H2 by R is equal to 3. And H1 by R is equal to 2. Take the ratio. So H1 by H2 is equal to 2/3. So correct option is option number 3.